अस्सलाम गाइस, जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आईफोन की बैटरी हेल्थ। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि यार जो हमारे फ़ोन की बैटरी हेल्थ है ना वो खुद गिरती है। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि आपके फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है वो खुद गिरे। आपकी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ को ख़राब करती है, मतलब कि आप रेगुलरली वो चीज़ कर रहे होते हैं मगर आपको पता नहीं होता, तो जिसकी वजह से जो सारा असर है उसका आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ पे पड़ता है। जबकि सबको पता है जो आईफोन यूज़र्स हैं कि जो आईफोन की जो बैटरी क्वालिटी है वो अब तक की सबसे बेहतरीन क्वालिटी है जो कि आईफोन अपनी प्रोडक्ट में यूज़ करता है, वो लिथियम आयन बैटरी का नाम है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपको अपने फ़ोन की बैटरी को कैसे यूज़ करना है। जैसे कि आईफोन ने हमें बताया है कि जो आईफोन की बैटरी की साइकिल्स होती है, मतलब कि जो जाहिर सी बात है कि बैटरी में तो केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स की कुछ लाइफ साइकिल होती है, तो इसी तरह हमें आईफोन ने बैटरी हेल्थ की लाइफ साइकिल्स के बारे में बताया है कि इसकी जो मतलब चार्जिंग साइकिल्स होती हैं वो कुछ मतलब एक लिमिटेड होती हैं कि अगर वो 500 तक हो जाती हैं तो आपके फ़ोन की जो वो जो बैटरी हेल्थ है 20% तक गिरना तो मस्ट है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आईफोन ने कह दिया है कि आपकी जो 500 साइकिल्स कंप्लीट हो गई हैं तो आपकी जो फ़ोन की बैटरी हेल्थ है वो 20% गिरेगी, ऐसा नहीं है। आप उसको मेंटेन भी रख सकते हो किसी तरीके से, कुछ ऐसा करके, तो वो मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 फ़ोन्स हैं जो कि हम एज ए एग्जाम्पल यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आईफोन 7 है जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था। तो गाइस इसको मैंने अभी आई थिंक मैंने 2 साल पहले परचेज किया था। तो अब जब मैंने इसको परचेज किया था इसकी बैटरी हेल्थ थी जो थी 92। तो यहां पे अब हम इसकी बैटरी हेल्थ देखते हैं कि यहां पे इसकी बैटरी हेल्थ अब हमारे पास कितनी रह चुकी है बाकी। तो यहाँ पे हम इसकी बैटरी के ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे हम बैटरी हेल्थ पे देखते हैं। आपको यहाँ पे पहले से ही नज़र आ रहा होगा यहाँ पे बैटरी हेल्थ जो है हमारी सर्विस पे है, तो इसको प्रॉपर चेक करते हैं। यहाँ पे हमारी जो बैटरी हेल्थ है वो 76 है। तो गाइस जो इसकी बैटरी हेल्थ थी 92 थी, मतलब कि इस 2 साल में जो इसकी बैटरी हेल्थ है वो 76 रह चुकी है। इवन कि जैसे कि आपको पता होगा 500 साइकिल से बहुत ही ज़्यादा इसकी मैंने बैटरी यूज़ कर ली है, लेकिन फिर भी इसकी जो बैटरी है वो है 76, मतलब कि ये 20% से कम गिरी है। वो इस वजह से कि मैंने इसको मतलब थोड़ा केयरली यूज़ किया, मैंने इसको मतलब इस तरह यूज़ नहीं किया, मैं इसको चार्जिंग पे लगा के यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता था। तो यहाँ पे हमारे पास है आईफोन एक्स की बैटरी हेल्थ भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने इसको परचेज़ किया था आई थिंक 1 साल पहले, तो इसकी बैटरी थी 90 और अब यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास इसकी बैटरी है 87, मतलब कि मैंने इसको बहुत ही केयर के साथ यूज़ किया था, मतलब मैं इसको चार्जिंग पे लगा के बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता था। और अब हमारे पास है जो आईफोन 12 प्रो, हम इसकी बैटरी को चेक करते हैं इसकी बैटरी हमारे पास कितनी है, लाइक इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो हमारे पास कितनी रह चुकी है बाकी। तो यहाँ पे हम इसकी बैटरी हेल्थ को ओपन करेंगे। इसको मैंने 6 मंथ्स पहले मैंने परचेज़ किया था और मैंने इसकी जो 2% बैटरी है वो मैंने 2% जो इसकी बैटरी हेल्थ है उसको मैंने लॉस किया, वो इसलिए कि मैं इस फ़ोन को जो है चार्जिंग पे लगा के यूज़ करता था। लेकिन अब मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ करने से मेरे फ़ोन की बैटरी हेल्थ जो है गिर सकती है बहुत ही ज़्यादा हद तक। तो गाइस मैं आपको बताने लगा हूँ कि हमें इस चीज़ों से मतलब इन चीज़ों को रोकना है जिसकी वजह से हमारे जो फ़ोन की बैटरी हेल्थ है वो गिरती है। और वो चीज़ें ये हैं, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपको ये चीज़ें लाजमी करनी है अगर आप अपने फ़ोन की बैटरी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं। चलिए गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे फ़ोन की बैटरी हेल्थ है एक्चुअली वो गिरती कैसे है, उसका रीज़न क्या होते हैं उसके। तो सबसे बड़ी जो दुश्मन होती है ना ओवर चार्जिंग होती है, हमारे फ़ोन को ओवर चार्ज करना जो होता है ना वो हमारे फ़ोन की बैटरी हेल्थ को सबसे ज़्यादा उसका जो असर पड़ता है वो हमारे फ़ोन की बैटरी हेल्थ पे पड़ता है। जब हम अपने फ़ोन को रात को ओवरनाइट चार्ज पे लगा के सो जाते हैं कि चलो यार जब हम सुबह उठेंगे तो हमारे फ़ोन की बैटरी है वो जो 100% होगी, तो एक अलग ही किस्म की हमें एक्साइटमेंट होगी कि यार हमारे फ़ोन की बैटरी जब हम सुबह उठे तो 100 थी। तो ये चीज़ सबसे गलत होती है, आपको अपने फ़ोन को बिल्कुल भी ओवर चार्ज नहीं करना, क्योंकि जब हम अपने फ़ोन को ओवर चार्ज करते हैं तो हमारा फ़ोन जो है हीटअप हो जाता है। हीटअप होने की वजह से जो सारा
सारा असर होता है हीटर, वो जो उसके टेम्परेचर का जो सारा असर होता है आपके फ़ोन के टेम्परेचर का, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ोन की बैटरी पे पड़ता है। और दूसरी चीज़ जो है हमारे पास रोम का टेम्परेचर, तो गाइस आपको जहाँ पे आपको अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाना है उस रोम का टेम्परेचर जो है नॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कि वो जो रोम का जो टेम्परेचर है वो पीक पे होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए ताकि जो आपका फ़ोन है वो बिल्कुल मतलब कि थोड़ा काम रह सके, वो हीट अप ना हो। और जो उसकी तीसरी चीज़ है, जब आप लाइक अगर आप कहीं पे मार्केट शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आप जो अपना फ़ोन है वो आप छोड़ देते हैं गाड़ी में, तो ये सबसे बुरी चीज़ होती है आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ के लिए। जब आप अपना फ़ोन छोड़ देते हैं गाड़ी में, अगर आप जा रहे हैं बाहर तो आप अपने फ़ोन को साथ लेके जाइए ताकि उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल सके, क्योंकि जो गाड़ी की हीट होती है और जो बाहर की हीट होती है, गाड़ी की हीट जो है वो बाहर की हीट से ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इसके गाड़ी के मिरर होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है जब आप गाड़ी को लॉक करके जाते हैं तो मिरर बंद होते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ को ये चीज़ बहुत ख़राब करती है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि जब आप गेम खेल रहे हो तो अपने फ़ोन को बिल्कुल बिना चार्जिंग पे लगाइए, क्योंकि ये भी जो चीज़ है ये भी आपके फ़ोन की सिर्फ और सिर्फ बैटरी हेल्थ को असर करती है। अदरवाइज़ तो मतलब कि आईफोन कोई ऐसी प्रोडक्ट तो है नहीं जो आप गेमिंग करेंगे तो आपके आईफोन को आपको ख़राब होने का कोई इशू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपके फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है उसको ख़राब करती है। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, शायद आपको पता हो कि आपको अपने फ़ोन को बिल्कुल भी हैवी केस नहीं लगाना, मतलब कि स्पेशली इसको समर में आपको अपने फ़ोन पे बिल्कुल भी हैवी केस नहीं लगाना, क्योंकि वो आपके फ़ोन को ठीक तरीके से हवा नहीं मिल पाती है, तो आपका फ़ोन जो है मतलब जब आप यूज़ करते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं अपने फ़ोन पे, तो आपका फ़ोन जो है वो हीट अप ही रहता है, और वो हीट अप जो है वो जो हीट होती है वो सारी बैटरी को जाती है, जिसकी वजह से बैटरी हमारी ख़राब होती है। तो आइए, अब तो ये हो गए हमारे मतलब जो है बैटरी हेल्थ के गिरने के मसले, मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी बैटरी को मेंटेन कैसे रख सकते हैं। हमें अपनी बैटरी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए करना क्या है, हमें सिर्फ अपनी बैटरी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए कोशिश करनी है कि हमारी जो चार्जिंग साइकिल्स है ना उसको हम थोड़ा कम कर सकें। लाइक मतलब हम अपने फ़ोन को सिर्फ 80% तक चार्ज करने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपको किसी टूर वगैरह पे जाना है या आपको किसी मतलब लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो आप अपने फ़ोन को 100% चार्ज कर सकते हैं, मतलब इन केस आप अपने फ़ोन को 100% चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोशिश किया करें कि अपने फ़ोन को 80% ही चार्ज किया करें। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप अपने फ़ोन को हमेशा ओरिजिनल चार्जर से चार्ज किया करें, या किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के चार्जर से चार्ज बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि जो उसके एम्पेयर्स होते हैं वो आईफोन के ओरिजिनल चार्जर से ज़्यादा होते हैं, जो कि मतलब उसको थोड़ा फास्ट चार्ज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसके लिए कैपेबल बिल्कुल भी नहीं होते, वो बिल्कुल ही इसकी बैटरी हेल्थ को ख़राब करने पे तुले होते हैं। मे बी आपके फ़ोन के बोर्ड में भी उसकी वजह से कोई इशू हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि लाइक पहले जो आईफोन थे हमारे पास 6-7, अगर हम उसको एंड्रॉयड के चार्जर से चार्ज करने की कोशिश करते थे तो जो उसका जो बोर्ड पे U2IC का इशू हो जाता था, जो कि अगर हमने अपना फ़ोन यहाँ पे स्टैंड बाई मोड पे भी रखा होता था तो वो फिर भी बैटरी को ड्रेन करता रहता था। और जो गाइस हमारे पास तीसरी चीज़ है वो ये है कि जो आईफोन 11 सीरीज़ के साथ जो हमारे पास फास्ट चार्जर आए हैं उसके साथ कोशिश किया करें कि आप अपने फ़ोन को कम ही चार्ज करें, क्योंकि वो जितनी जल्दी चार्ज करता है उतना फ़ोन हीटअप होता है, और अगर आपका फ़ोन हीटअप होगा तो उसका जो सारा असर है जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ पर पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं आपकी बैटरी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप गेमिंग कर रहे हैं अपने फ़ोन पे तो प्लीज़ केस को उतार दीजिए, और जब आप गेमिंग कर रहे हैं अपने फ़ोन को चार्जिंग पे बिल्कुल भी ना लगाइए, अगर आप अपने फ़ोन की बैटरी हेल्थ को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने फ़ोन की चार्जिंग साइकिल्स को बचाना चाहते हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।